बुद्धि के विषय बन जाएगा, सापेक्ष हो जाते हैं, आपके बुद्धि के विषय बन जाएगा। किनको तो बोलता है तो आत्मा ठीक है, हमको बुद्धि शुद्ध होने पर प्रतिफलित चेतन जो है उनको स्पष्ट रूप में समझ में आता है, समझ बुद्धि की निश्चय बुद्धि कहते हैं। आत्मा में तो बंधन मुक्ति कभी नहीं है, ना आत्मा बंधन में है ना आत्मा मुक्त हुआ, बंधन कौन आया, बंधन में मुक्ति मिला है। वो तो उनकी सिद्धांत आप देखो, उनके सिद्धांत को लेकर योग दर्शन सिद्धांत को लेकर समझाएंगे आप। पहले सांख्यवादियों को सिद्धांत को लेकर ये बोलते हैं तुमने स्वयं पुरुष को जो है असंग माना, निर्विशेष माना, चेतन मात्र माना। तो जब पुरुष में बंधन और मोक्ष है नहीं, प्रकृति पुरुष को बंधन और मोक्ष प्रदान करते, इसलिए तुमको पुरुष को अनेक मान लिया। अरे बंधन और मुक्ति जब पुरुष के धर्म ही नहीं है तो अनेक मानने की आवश्यकता क्या है। बंधन और मुक्ति तो बुद्धि के धर्म है, बुद्धि को अनेक मानते तब तो समस्या समाधान हो जाता है, लेकिन तुमने माना नहीं। इसीलिए आगे बोलते हैं कल देखो यहाँ तक अपने पढ़ लिए भाष्य तो इस 133 पेज में भाष्य पूरा हो गया था। एक पढ़ रहे थे किंच ऐकात्म्यम दूषयता सांख्येन तद भेद अद्भुत करते थे, मतलब एक आत्मा के दूषित करने वाले सांख्यों के द्वारा आत्मा में भेद माना जाता है। सच न अद्भुत तुम सकते, इस प्रकार आत्मा में तुम भेद नहीं मान सकते हो, क्यों किसी भी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाए। वो बोलते नहीं हमारी सिद्धांत संघात परमार्थत्व, वो किसी को भोग प्रदान करता है, किसी को मुक्ति प्रदान करता है, तो इसीलिए अनेक पुरुष नहीं होगा, किसी को भोग, किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को मुक्ति, तो कैसे करेगा। उनके जरा समझ के बोला करो भाई, तुमने स्वयं जब पुरुष में बंधन और मुक्ति नहीं माना, बुद्धि के धर्म माना, तो पुरुष में अनेक मानने की क्या आवश्यकता। हाँ एक पुरुष की बिंदु मानना चाहिए चेतनता के लिए, कि वो जड़ है, चेतनता के लिए बोध के लिए आपको एक चेतन तत्व चाहिए, पुरुष की बिंदु मानना तो चाहिए, परंतु बुद्धि सारा कमाल करते हैं, इसीलिए है पुरुष के अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं अपने आप पूर्ववादी बोलते शंका कर रहे कि प्रधानम ही कस्यचित भोगम अपवर्गम च कस्यचित आदधम। यहाँ पे कमा कर देना, प्रधान क्या करता है, किसी को भोग प्रदान करता है, किसी को मुक्ति, अपवर्ग मतलब मुक्ति। प्रधानम ही कस्यचित भोगम, किसी को भोग देते हैं, भोग से सुख दुख अलग 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 प्रकार के विकार मन में उत्पन्न, अपवर्गम च कस्यचित आदधत, किसी को अपवर्ग के आधान करते हैं। इसीलिए पुरुष विशेषाविशेष, इसलिए पुरुष में विशेषता चाहिए, क्यों किस पुरुष का अंदर शुद्धता होगा उसको भोग प्रदान करेंगे, किस पुरुष का शुभ भोग इच्छा उसको भोग प्रदान करेंगे, इसीलिए पुरुष में भिन्नता चाहिए। शंकरवादी के कहे ना विश्यते तच्च पुरुष भेद अभाव, यदि पुरुष में हम भेद नहीं मानेंगे तो ये सिद्धांत बने नहीं पाएगा, इसलिए पुरुष को अनेक मानना जरूरी है, ऐसा शांतवादी कहते हैं। प्रधानम ही कस्यचित भोगम अपवर्गम च कस्यचित आदधः, पुरुष विशेषण इच्छति, इसलिए पुरुष में विशेषता की अपेक्षा रहती है, और पुरुष में विशेषता जो है तच्च पुरुष। अब जब ये देखो भाष्य का क्या लिखा है, निर्विशेषात् च चेतन मात्र आत्मनोऽभ्युपगम्यत, आपने पुरुष को निर्विशेष माना, और इधर क्या कह रहे हो, पुरुष में विशेषता की अपेक्षा रखता है, मतलब भोग और अपवर्ग सुख दुख प्रदान करने के लिए पुरुष विशेषता की अपेक्षा रखता है, और मान्यता क्या दिया तुमने, पुरुष में विशेष व्याघात दोष नहीं है, ये बुद्धि की विशेषता चाहिए, पुरुष में नहीं चाहिए, यही व्याघात दोष है। यही तुम जो सिद्धांत तो कुछ बनाया बंद, अपने सिद्धांत को तुम अनुसरण नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे प्रधानम एक कस्यचित भोगम अपवर्गम च कस्यचित आदधत, पुरुष विशेष विषय, तो इसलिए पुरुष विशेष की मतलब अपेक्षा रखते हैं। क्या पुरुष में जो विशेषता है वो क्या है, पुरुष भेद अभावे न बदलते, पुरुष में यदि भेद नहीं होगा तो पुरुष में विशेषता कहाँ से आएगी। अब जब तुमने पुरुष को निर्विशेष माना, फिर विशेषता का आधान क्यों करते हो, वहाँ पे पुरुष में नहीं है, वो है बुद्धि में, इसलिए बुद्धि यहाँ पे बदल। इसीलिए आपने क्या बोला, तेन अर्थापत्या पुरुष भेद सिद्ध, अर्थापत्ति प्रमाण जानते हैं, इन्फरेंस तो आप बोलेंगे, अनुमान प्रमाण। अर्थापत्ति मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति को आपने कभी खाना खाते हुए नहीं देखा, पर वो व्यक्ति रिष्ट पुष्ट स्वस्थ है, तब हम क्या समझ लेते हैं कि जरूर वो हमारा, मैं जब उनके पास नहीं गया तो तब तक वो खाता होगा, तब खाता होगा, नहीं तो स्वस्थ कैसे रह सकते। रात्रि भोजनम बिना विनतम अनुभवनम,
रात्रि भोजनम बिना पिनत्वम अनुपन्नम। रात्रि मतलब हमारी आदर्श में भोजन के बिना ये व्यक्ति स्वस्थ रहना संभव नहीं है। इस प्रकार हम अर्थापत्ति प्रमाण लगाते अर्थापत्ति प्रमाण लगाते हैं। जब किसी वादी ने अर्थापत्ति को अनुमान के साथ मिला दिया परंतु अर्थापत्ति और अनुमति भी यहाँ पे जब तक उठा बोलता है व्याप्ति है, मतलब भोजन के साथ शरीर स्वस्थता की व्याप्ति है। इसीलिए जब स्वस्थ दिखाई दे रहा है इसलिए भोजन कहीं ना कहीं करता है। इस प्रकार से और समझाते कोई बात। अब जब रात्रि के किसी एक समय भोजन के बिना शरीर नहीं रह सकता इसलिए अर्थापत्ति को मान बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार पुरुष में भेद के बिना बोलना ना तेन अर्थापत्ति पुरुष, तो इसलिए पुरुष में भेद के बिना अलग अलग प्रकार की भोग होना संभव नहीं है। पुरुष में भेद में बिना अलग अलग प्रकार की भोग होना संभव नहीं है, इसलिए पुरुष में भेद मानना चाहिए। मतलब पुरुष भेदम बिना पारार्थम प्रधानस्य पारार्थम अनुभवन्नम, यह अर्थापत्ति प्रमाण है। पुरुषस्य भेदम बिना प्रधानस्य पारार्थम अनुभवन्नम, यह अर्थापत्ति प्रमाण है। आप बताओ जब आपने बोला कि असंगो ही अयम पुरुष, ये वेदांत सूत्र की बात तो शाम को कई जगह उद्धृत करते हैं। जब पुरुष में भोग मानना ही तुमने माना ही नहीं और पुरुष की अलग अलग भोग मानने के लिए अलग अलग पुरुष की कल्पना तुमने कैसे कर ली। जब स्वयं आपने आप बोलते हो भोग पुरुष में नहीं है, उनका असंग ही अयम पुरुष, आत्मा में भोग नहीं है, भोग कहाँ है? बुद्धि जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो भोग बुद्धि भी कैसे कर सकती है? वास्तविक भोग नामक कोई वस्तु है ही नहीं। पर हम जड़ चित्त की ऐसे गांठ लगा देते हैं अज्ञान से, जड़ और चित्त की मतलब बुद्धि अलग है चेतन अलग है, दोनों कभी मिल नहीं सकती। और ऐसा हमारी एक मतलब भ्रांति से ऐसा एक मिला दिया कि भोग के पीछे हम लोग रहते कई जीवन में, किसी भी जगह पे भोग पारमार्थिक दृष्टि शुद्ध चेतन सर्वथा अभोक्ता है और जड़ में भोग होना संभव नहीं है। परंतु अंतकरण और अंतकरण के चेतन के प्रतिफलन होने के कारण तो क्या हो गया, अंतकरण जो व्यक्ति के सचित मिल गया जैसा और फिर भोग के पीछे हो गया, ये क्रांति होती है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर अर्थापत्ति न अर्थापत्या पुरुष भेद सिद्ध, इससे अर्थापत्ति प्रमाण से पूर्वता क्या हो गया, पुरुष भेदम बिना प्रधान पारार्थम अनुपन्नम। अर्थापत्ति पर क्या बोलेंगे, रात्रि भोजनम बिना पिनत्म अनुपन्नम, पुरुष भेदम बिना पुरुष बहुत्तम बिना प्रधान पारार्थम अनुपन्नम, पुरुष बहुत्तम बिना प्रधान पारार्थम अनुपन्नम, यह अर्थापत्ति प्रमाण होता है। लगता है कि इधर तुम बोल रहे हो पुरुष अभोक्ता है और इधर क्या बोल रहे हो पुरुष की भी भोग के लिए पुनः के लिए पुरुष को अनेक मानना पड़ेगा। ऐसे हैं जिस यहाँ पे बोलते हैं चार नंबर की टिप्पणी देखो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तेन पारार्थस्य पुरुष भेद उपपाद्यते न, तेन मतलब ये परार्थ का पुरुष भेद की प्रतिपादक है, पुरुष भेद के बिना परार्थ होना संभव नहीं है। हम क्या बोलते हैं परार्थ है पुरुष के लिए है परंतु उसके लिए अनेक पुरुष मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पुरुष में नहीं है वो बुद्धि में है। बुद्धि स्वयं परार्थ के लिए है, वो भ्रांति से क्या करते हैं मैं बुद्धि किसके लिए, पुरुष के लिए, पुरुष की बुद्धि का आवश्यकता है, पुरुष तो सर्वदा मुक्त है। बुद्धि क्या करते हैं पुरुष को भोग के माध्यम से बंधन में डालती है बुद्धि, और फिर जो है जब समझ जाते हैं कि परीक्षा लोकार कर्म चिंतन ब्राह्मण वैराग्य आता है तब बुद्धि समझ जाते हैं कि भोग से हमारा मुक्त होना संभव नहीं है, तो भोग रिक्शा छोड़ देता है, आत्मा अपने स्वरूप स्वामी से कभी शरीर धारण बुद्धि सूक्ष्म शरीर ही भेद हो जाता है, फिर जन्म भर नहीं है सिद्धांत तो यही है। अरे समझ में भी आती है इसीलिए आप क्या बोलते हैं ठीक है, प्रधानमंत्री कश्यचित भोगम अभोगम या कश्यचित आदर्श आदधम पुरुष विशेषण इष्यते तच्च पुरुष भेद अभेदन को बद्धते, पुरुष भेद के बिना होना संभव नहीं है। तेन अर्थापत्य पुरुष भेद सिद्धति से लिए अर्थापत्ति प्रमाण से पुरुष भेद सिद्ध हो जाता है। उसको देखो तेन को पारार्थस्य पुरुष भेद को बद्धते न, मतलब पुरुष भेद बिना पारार्थम अनुपन्नम धन प्रधानस्य पारार्थम अनुपन्नम। इस प्रकार से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा वहाँ पे कहना चाहता है भेद अभावे भाष्य में भेद अभावे प्रधानस्य पारार्थ अनुपत्ति किंचित न, ये तो नहीं कह सकता क्यों, प्रधान पितस्य अर्थस्य आत्मनि असमवया, प्रधान जो भी कुछ काम करता है उसके साथ आत्मा का संबंध नहीं है, अपना संग माना पुरुष को
आत्मा की विद्यमानता में, चेतन की विद्यमानता में जन्मे जड़ में क्रिया की होती है वो दिखाई पड़ता है, पर उस क्रिया के साथ चेतन का कोई संबंध नहीं है, चेतन का कोई संबंध नहीं है। यह अभिप्राय यही समझा है। यदि ही प्रधान पितर बंध मोक्ष व अर्थ पुरुषेशु भेदे न समवैत, यदि प्रधान के द्वारा दिया गया बंध भोग अथवा अपवर ये यदि पुरुषों में अलग अलग करके समवय संबंध से रहता होता तब प्रधान से पारार्थम आत्म एक करते न भवत, तब तो प्रधान के परार्थ का एक आत्मा यदि होता तो युद्ध संगत नहीं होता, पर तुम लोग स्वयं नहीं मानो। यदि युक्त पुरुष भेद कल्पना तब तो पुरुष भेद कल्पना युक्त संगत, न तुमने ऐसा नहीं माना इसलिए पुरुष भेद कल्पना युक्त संगत नहीं है। यदि ये समझ में आ जाए तो अजन्मा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, इसकी आवश्यकता है नहीं। अर्थापत्य अनुदय वदन उत्तरम आह, नहीं नहीं इस प्रकार अर्थापत्य की आवश्यकता ही नहीं है, इस प्रकार ध्यान की अर्थापत्ति की आवश्यकता नहीं है। न प्रधान आत्मन समय अतिसंग्रह है, इसी का व्याख्यान है। यदि संक्षिप्तम एवं उत्तम विवरणों का है संग्रह वाक्य में जो कहा है उसको विस्तार से कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि ही प्रधान कृत बंध मोक्ष अर्थ पुरुषेशु भेदी न समवय, पुरुष में भेद हो अलग अलग होकर समवय संबंध से रहता होता मतलब वो बंध बन रहता तथा प्रधान से पारार्थम आत्म एकता, प्रधान की पारार्थता एक आत्मा में जो युद्ध संगत नहीं होती, परंतु जो पुरुष में बंधन मोक्ष है ही नहीं तब फिर हम अनेक पुरुष मानने की आवश्यकता नहीं है। ये आशंका अपसिद्धांत प्रसंग प्रधान से पारार्थ समर्थक प्रधान क्या करते हैं, प्रकृति जो है अलग अलग पुरुष को अलग अलग प्रकार के भोग देती है, प्रकृति अलग अलग पुरुष को अलग अलग उनके योग्यता के अनुसार अलग अलग भोग देती है, इसीलिए पुरुष अनेक चाहिए, पुरुष अनेक चाहिए, अलग अलग पुरुष अलग अलग देने वाला एक ही है, जिस प्रकार खाना परोसने वाला व्यक्ति एक ही है, जो व्यक्ति कहता है मुझे ये चाहिए उसको वो देता है, जो व्यक्ति कहता है मुझे उसको वो देता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति अनेक पुरुषों को उनकी योग्यता के अनुसार उनका विषय के अनुसार उनको अलग अलग भोग्य वस्तु प्रदान करें, ये उनकी सिद्धांत। इसलिए पुरुष बहुत को चाहिए, पुरुष बहुत को चाहिए। प्रधान से पारार्थ सामर्थ्य भव्य के प्रधान किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। किस प्रकार कैटरर किसके लिए होते हैं? दूसरे को खिलाने के लिए होते हैं। तो कैटरर के पास यदि आपने 200 मील का ऑर्डर दिया लोग नहीं आएगा तो कहा किसको खिलेगा, इसलिए अलग अलग दूसरे व्यक्ति चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे कैटरर कंपनी तो एक ही है परंतु फिर खाने वाले अलग अलग हैं और आने वाले खाने तब अलग अलग परोसा परोसा जा सकते, इसीलिए पुरुष को अनेक मानना चाहिए, अलग मानना चाहिए। इसलिए प्रधान से पारार्थ सामर्थ्य एवं पुरुषेषु कश्चित, पुरुषों में कश्चित अतिशय किसी में किसी प्रकार की इच्छा, किसी में किस खाने की इच्छा, इस प्रकार पुरुष में अतिशय होने के कारण तब तो कैटरर की उपयोगिता है, मतलब स्वार्थ करने की उपयोगिता है, इसलिए बोलते हैं पुरुषेषु कश्चित अतिशय भविष्य यदि आशंक ऐसा शंख वाली शंका करने अरे अपसिद्धांत तुम्हारी मान्यता पुरुष को असंग माना और बोलता फिर पुरुष में भोग भी मानते बोलते तो अपसिद्धांत हो जाएगा, देखा तो हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं अपसिद्धांत प्रसंग तुम्हारे सिद्धांत अपने सिद्धांत अपने बिगाड़ देगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता ये आरोप। क्यों? देखो निर्विशेषाश्च चेतन मात्र आत्मनो अभ्युपगम्य है ना, आपने अधिक जब तक यहाँ पे आत्मानो तो क्या है यहाँ पे आत्मन कौन सा विभक्ति बदल होना चाहिए, प्रथम भूवचन बिल्कुल सही, प्रथम भूवचन आत्मान देखो तो अनेक आत्मा मानते हैं ना वो, और प्रत्येक आत्मा को तुमने क्या माना, निर्विशेष माना, चेतन माना, विभू माना, निर्विशेष चेतन को प्रत्येक आत्मा को तुमने माना, तो निर्विशेष माना तो वहाँ पे भी भोग और अपकर्म कहाँ से ला रहे हो,
ये बोलते हैं ये तुम्हारी मान्यता है, इसलिए तुम्हारे सिद्धांत का अपसिद्धांत हो। अतः हाँ, जड़ में क्रिया को संपादन करने के लिए उससे भिन्न एक चेतन की विद्यमानता चाहिए, ये हम मानते हैं, परंतु अनेक चेतन चाहिए जरूरी नहीं। वो अनेक पुरुष मानते हैं ना, वो सांख्यवादी ने अनेक पुरुष मानते हैं ना, इसलिए आत्मा को सारे निर्विशेष है, सारा विभिन्न सारा असंग ऐसे मानते हैं, सारा विभिन्न ऐसा मानते हैं। अतः इसलिए पारार्थस्य अन्यथा उपन्यता, ये पारार्थता दूसरे प्रकार से सिद्ध हो जाने के कारण उनको अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्त, देखिए पुरुष की विद्यमानता, चेतन की विद्यमानता मात्र से ही प्रधान की क्रियाशीलता सिद्ध हो जाता है, इसलिए पुरुष में अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भोग और चेतन की विद्यमानता चाहिए, क्योंकि संतुष्टि का हम सुख दुख संतोष उदासीन के संबंध के धर्म है, सर्व मन है, इसलिए ये अंतकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, इसलिए आत्मा के अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, हाँ बताइए ना, बोलिए तो। चेतन है प्रधान, चेतन नहीं मानते, प्रधान को जड़ ही मानते हैं, प्रधान को जड़ मानते हैं, पुरुष को चेतन मानते हैं। पुरुष के सामिध्य में प्रधान जड़, प्रधान में क्रियाशीलता आती है और वो पुरुष को भोग अपवर्ग प्रदान करते हैं, ऐसा सांख्यवादियों का सिद्धांत है। आप देखिए, आप एक चीज, आप योग दर्शन क्या है, वो चित्तवृत्ति निरोध से मुक्ति मानते हैं, ठीक है। अब चित्त कितना है, मतलब पुरुष कितना है, पुरुष अनेक है और चित्त प्रकृति तो एक है, और जैसे एक क्षत्रिय है, बहुत बड़ा क्षत्रिय है, एक बहुत बड़ा क्षत्रिय है और एक को प्रधान है और अलग अलग पुरुष है, सारा पुरुष है। अब एक पुरुष उस क्षत्रिय की एक कोना को पकड़ कर स्थिर हवा चल रही है, एक कोना पकड़ कर, तो उससे सारा पुरुष का स्थिर हो जाएगा, सारा पुरुष का स्थिर हो जाएगा नहीं हो। तो जब तुमको चित्तवृत्ति निरोध से मुक्ति मानोगे और प्रत्येक पुरुष के अलग अलग प्रयास होगा तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार, तो कभी मुक्ति हो पाओगे, कभी चित्त स्थिर होना ही नहीं, क्योंकि चित्त तो सभी पुरुष के द्वारा, सभी पुरुष को भोग अपना, तुम्हारा प्रकृति एक है। या सोचिए इस चित्त दृष्टांत, इसलिए मैं बोला कि एक क्षत्रिय को देखा, बहुत बड़ा क्षत्रिय है, हवा चल रही है, क्योंकि रिक्शे बैठे हैं, क्योंकि हमेशा उठा पड़ा होता रहता है। अब जो है एक पुरुष कोशिश कर रहे हैं, अनेक पुरुष है, एक पुरुष कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस प्रकृति को एक ने रोक दी और बाकी अन्य जगह में क्या हूँ, विक्षेप रहेगा, क्षत्रिय अर्जुन को सत्य भी माना, क्षत्रिय विक्षेप होता ही रहेगा, चित्तवृत्ति निरोध कहाँ कर पाओगे, उनके सिद्धांत कम से हमारे यहाँ तो चित्त मिलता है, ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये मिलता है सबको जैसा दिख रहा था, कभी चिंता नहीं है। अब देखो उसको देखा कि इनके सिद्धांत को समझाएंगे प्रधान से, इसलिए क्या हुआ कि अतः पुरुष भेद कल्पनाया न प्रधान से प्रारार्थम, ये इसलिए पुरुष भेद की कल्पना करने में प्रधान संघात और परवार्थत्व आदि क्षेत्र को देने के कारण आपने पुरुष में भेद कल्पना किया, ये बुद्धि संगत नहीं है। यहाँ पे टीका में देखिए, किंच प्रधान से पारार्थम परोक्षेषिणम अपेक्षा, प्रधान जो है एक शेषी को अपेक्षा रखता है, उनको शेष है, शेष शेषी की अपेक्षा रखता है, अवयव परिचालित होने के लिए अवयवी का अपेक्षा रखता है, इसी प्रकार शेष अंग शेषी की अपेक्षा रखता है, इसी प्रकार प्रधान शेष है, किंतु प्रधानस्य पारार्थम परम शेषिणम अपेक्षा है, प्रधान के पारार्थ है इसलिए उससे भिन्न एक शेषी की अपेक्षा रखता है, वो ऐसा उनको सिद्धांत है। न तस्मिन भेद मतलब, हाँ एक दूसरे की अपेक्षा तो रखता है परंतु वहाँ पर भेद की अपेक्षा नहीं रखता। यहाँ पे आप जो कि बोलेंगे ये बिजली, ये पंखा चल रहा है, ये लाइट चल रहा है, यहाँ पे गीजर चल रहा है, वहाँ पे हीटर चल रहा है, इसलिए अलग अलग बिजली है, इसकी आवश्यकता नहीं है, बिजली एक ही है, एक चेतन तत्व से ही काम हो सकता है, उपकरण में अलग अलग क्रिया उपकरण के धर्म है, इसलिए अलग अलग बिजली की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आया। इसी जगह बोलते हैं न तस्मिन भेदम अपेक्षा, पुरुष की चेतनता एक उससे भिन्न ये तो आवश्यकता है, क्योंकि जड़ में अपने आप चलने की सामर्थ्य नहीं होती, कोई एक एनर्जी चाहिए पीछे से और वो ठीक है, बल्कि इसके लिए एनर्जी अलग अलग हो गई, आप नहीं कह सकते वो एक ही,
किसे होते हैं, न तस्मिन् भेदमपि आकांक्षा। अतो अन्यथा अनुपपत्ति आह, इसलिए दूसरे प्रकार सभी प्रधान के पारार्थ का सिद्ध हो जाता है, मतलब चेतन पुरुष है ये हम मानते हैं, हम अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अतः पुरुष भेद कल्पनायाम न प्रधानस्य पारार्थ, पुरुष भेद की कल्पना में प्रधान दुष्ट के लिए काम करता है, इसीलिए पुरुष अनेक होना चाहिए, क्योंकि प्रधान की अनेक काम है, प्रधान की अनेक काम है, सत्तर रजतम उनके द्वारा कितने सारे काम होते हैं, और इतने काम एक पुरुष के लिए कैसे हो सकते, इसलिए अनेक पुरुष होना चाहिए, ऐसा उसने कहा। अब जब तुमने पुरुष को निष्क्रिय माना, तुमने स्वयं जब पुरुष को निष्क्रिय माना, तो प्रधान की क्रिया के साथ इसको क्यों जोड़ रहे, प्रधान की क्रिया के साथ प्रधान ही विक्षिप्त होता रहता है, प्रधान की क्रिया से प्रधान ही विक्षिप्त होता रहता है, पुरुष में कुछ भी नहीं होता। ये मुख्य सिद्धांत है, किसी क्या बोलते हैं, इसके बिना वो जो अपने शंकर दर्शन में वो नहीं तालिका है, जन्म धर्म करणानाम प्रति नियमान व्यवस्था अनुपत्ता, किसी घर में एक व्यक्ति के पैदा हो रहा, कोई मर रहा है, यदि पुरुष एक होता तो एक पैदा एक मरण कैसे होगा। अच्छा बताओ, जन्म मरण पुरुष की धर्म है कि नहीं है, शरीर के धर्म, तो शरीर के धर्म पुरुष में क्यों आरोप करते हैं, व्याधिकरण आपको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए बोलते हैं देखिए जन्म। अच्छा फिर और युगों का प्रकृति, प्रकृति किस लिए होता है, गुण के कारण, गुण पुरुष में है कि नहीं प्रधान में है, प्रवृत्ति पुरुष में है कि नहीं, जड़ में है, क्या कहते हैं प्रवृत्ति, परंतु प्रवृत्ति जहाँ पे है उसको दिखाई भी दे रहा है, फिर पुरुष भेद मान, जन्म मरणादि व्यवस्था अनुपत्ता, क्या बोला नंबर पांच का, क्या अनुपत्ति थी, जन्म मरण सुख दुख क्रिया और फल, जन्म मृत्यु के शांकर्य, सुख दुख के शांकर्य, क्रिया और क्रियाफल के शांकर्य हो जाएगा, एक पुरुष मानोगे तो, एक पुरुष मानोगे तो सब मिल जाएगा, मिलावट हो जाएगा, तो बोलते ये बात नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु भी पुरुष का धर्म नहीं है, सुख दुख भी पुरुष का धर्म नहीं है, क्रिया और क्रिया के फल भी पुरुष का धर्म नहीं है, चेतन की भिन्न मान्यता चाहिए, परंतु पुरुष के साथ इसका सब मतलब नहीं है, सब बुद्धि प्रकृति प्रकृति करती है, सब बुद्धि कमा, इसीलिए आप बोलते हैं कि जन्म मरणादि व्यवस्था अनुपत्ता पुरुष भेद कल्पना में भी न दुख, जन्म मरण आदि से सारा ले लेंगे, जन्म मरण आदि व्यवस्था आदि से कह देंगे, सुख दुख आदि व्यवस्था और क्रिया फल आदि व्यवस्था बोलती सारा उसमें ग्रहण हो जाएगा, कि व्यवस्था अनुपत्ता, इस व्यवस्था की अनुपत्ति से पुरुष भेद कल्पना में भी पुरुष भेद की कल्पना भी न दुखम, बुद्धि संगत नहीं है। जब आप एक छोटा शब्द व्याधिकरण अधिकरण भिन्न है, जन्म मृत्यु का अधिकरण अलग है, शुभ दुख की अधिकरण अलग है, जन्म मृत्यु किसका धर्म है, शुभ दुख किसके धर्म है, मन की भूख प्यास किसके धर्म है, प्राण, ये सब अधिकरण अलग अलग है, और आप साहब कहाँ पे आरोप कर दिया सारा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भूख कहीं, मैं प्यास हूँ, मैं जन्म में अलग हूँ, मरने वाला सब आत्मा में आरोप कर दिया। यदि ये विवेक किसी को विवेक बोलते हैं, ये विवेक होना चाहिए, यदि ये विवेक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, इससे वैराग्य भी हो जाएगा, तब आप स्वरूप स्थिर हो जाएगा, व्याधिकरण इतिहास न च अन्न पुरुष भेद कल्पनायाम प्रमाण अस्त, पुरुष भेद कल्पना में शांत के लिए और कोई भी प्रमाण नहीं है, तुम्हारी कल्पना कोई तुमने अपने आप प्रस्तुत कर दिया, कोई प्रमाण तुम नहीं दे सकते, शास्त्रवाद को नहीं दे सकते, ये शास्त्रीय पुरुष पुरुष तो एक ही दिखाया, सृष्टि के आदि में सदैव स्वी दमक राशि एक अमीर वर्ग इसकी कोई प्रयोजन भी नहीं है, अनेक पुरुष की कल्पना, अनेक पुरुष की कल्पना की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पुरुष स्वतः स्वाभाविक मुक्त है,
अरे बंधन कभी आया नहीं पुरुष में, बुद्धि बंधन की कल्पना करती है और बुद्धि ही निश्चय करते हैं बंधन मुझ में कभी आएगा। यही मतलब बंधन और मुक्ति की परिभाषा इसलिए होते हैं, इसके कोई प्रयोजन भी नहीं है, ना केवल हम प्रमाण शून्य, केवल मात्र प्रमाण से शून्य ये बात भी नहीं है, पुरुष भेद कल्पना के प्रयोजन शून्य अच्छा प्रयोजन से भी नहीं है। इसलिए पर सत्ता मात्र में बनेगी कंक्लूशन, मतलब उससे भिन्न प्रधान से भिन्न एक चेतन तत्व सत्ता मात्र से ही प्रधान के पारार्थिकता सिद्ध हो जाता है, है ना। पर सत्ता मात्र निमित्तीकृत उसके निमित्त करके स्वयं बद्ध दे मुक्त थे जब प्रधान, है ना। बंधन कहाँ पे बुद्धि नहीं, प्रधान ही मान बंधन में है, प्रधान ही मुक्त होते हैं, इसलिए स्वयं बद्ध दे मुक्त थे जब प्रधान। यहाँ तक हो गया सांख्यवादियों को लेकर के कथा, ये हमारा सिद्धांत है, उनका भी सिद्धांत यही है, वो भी तो पुरुष का, वो भी तो पुरुष का असंग माना, वो क्या बोला देखो हमारे भाष्य का ये शब्द देखो निर्विशेष चेतन आत्मा आत्मा न अभ्युपगम्यते, तो अनेक आत्मा नहीं है, वो निर्विशेष माना, असंग माना, चेतन माना, हम भी माना, फिर उसका बहु मानी केवल सांख्यवादी, लेकिन इतना छोड़ देना पुरुष को उत्तम, बाकी मिलन के साथ हमारा कोई इतना विरोध नहीं है, प्रकृति को सत्य माना अपने आप ही निश्चय कर लेगा कि वो प्रकृति सत्य बोले सत्य बोला सत्य बुद्धि और क्या। एक अच्छी तरह से उसको समझा लीजिए, समझ लीजिए कि आकाश को आपने कभी नीला और कथाकार समझा था और बाद में आपने शास्त्रों करके निश्चय कर लिया आकाश ना नीला है ना कथाकार, आकाश को क्या फर्क पड़ा। बंधना नहीं, नहीं पुरुष नहीं होते चुका कुछ नहीं कर सकता, जब कुछ नहीं कर सकता पुरुष इतना मात्र विद्यमान रह करके पुरुष रहने के कारण ही दूसरा कुछ दास ऊपर ना सहयोग या सकायम समानम विश्व परिषद से जाते, ये दूसरा चिड़िया जो उछल कूद कर रहा है यदि अनुष्णानम अभिचा की सिद्धि यदि विद्यमान नहीं होता तो इसका उछल कूद होना संभव ही नहीं होता, तो जड़ आइए साधु जीव बनकर उपाधि के साथ मिल करके उपाधि के साथ मिलकर जो खा रहा है जैसा अनुष्णानंद अभिचा की सिद्धि, ये हमारी बार बार की सिद्धि है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं पर सत्ता मात्र में चैतन्य निमित्त कृत स्वयं बद्धते पुच्छति च प्रधानम। यहाँ तक हो गया सांख्यवाद। अब जो ईश्वर सत्ता को लेकर के बोलते हैं ईश्वर से ईश्वर इच्छा से होता है उसको बोलते हैं, देखिए टीकाकार बोलते हैं ननु न पुरुष सत्ता मात्र निमित्त कृतम प्रधान प्रवर्तन, कि आप जो दर्शन आ रहे हैं क्योंकि पुरुष की विद्यमानता मात्र से प्रतिक्रिया पुरुष में जो संयोग प्रकृति जो दे रहा है पुरुष की सत्ता मात्र से नहीं हो सकता, यदि पुरुष की सत्ता मात्र से होगा तब क्या हो जाएगा हमेशा सृष्टि होती रहेगी अथवा हमेशा प्रलय होता रहेगा, क्योंकि पुरुष तो कुछ नहीं करता अब प्रकृति अपने आप करके वो तो जड़ है अपने अपने बना ले सकते, तो क्या होगा संयोग दर्शन में लाकर एक ईश्वर को बीच में लाया, ईश्वर की इच्छा से पुरुष की सन्निधि में प्रगति नाशती है, ऐसा योग दर्शन भी प्रधान और पुरुष दो तत्व को हमने माना एक जड़ है एक चेतन है, ठीक है ना। तो अपन के जड़ और चेतन दोनों व्यापक हैं, इनका संयोग हमेशा रहेगा, तो कब प्रधान कब प्रलय होगा कब उत्पत्ति होगी किसको मुक्त करना ये तो निर्णय नहीं कर सकते प्रधान, इसलिए योग दर्शन ने अच्छा काम किया एक ईश्वर को मानने का, ठीक है ना। वो पुरुष विशेष माना, पुरुष विशेष माना और अविद्या क्लेश कर्म आदि से संयुक्त नहीं है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर रूप में माना योग दर्शन ने, जिसकी विद्यमानता के कारण प्रधान है पुरुष को भोग होकर तो दे सकते हैं तो अपनी सृष्टि स्थिति लय करती है ऐसा जो है प्रधान करती है ऐसा योग दर्शन करते हैं। अब बोलते हैं क्या जानू न पुरुष सत्ता मात्र निमित्तीकृत प्रधान, पुरुष की सत्ता मात्र को निमित्त करके प्रधान प्रवृत्ति हो यह नहीं कह सकते हो, एक कोई और चेतन तत्व है जिसकी इच्छा से इसका हो रहा है वह ईश्वर, ऐसा योग दर्शन को इसलिए बोलते हैं न जब पुरुष सत्ता मात्र निमित्तीकृत प्रधान प्रवर्तते किंतु ईश्वर अधिष्ठितम इति, है ना, ईश्वर अधिष्ठान के कारण ये हो जाता है प्रतिष्ठित
पुरुषत्व अविशेषा, वहाँ भी तो शिष्य को तो अपने पुरुषत्व ही ऐसे ही माना तुमने, इसलिए पुरुषत्व अविशेषा उपलब्धि मात्र, तब आप उस पुरुष को भी आपने असंगी माना, उस ईश्वर को भी तो तुमने असंगी माना, उसमें कोई क्लेश भी नहीं माना तुमने, इसलिए यहाँ पे तो यहाँ भी ऐसे ही दोष यहाँ भी रह जाएगा। ये पुरुष कुछ नहीं करता, जो प्रत्यक्ष प्रधान वहाँ भी बंधन मोक्ष नहीं सकते, किंतु ईश्वर अधिष्ठित मिति से ईश्वरवादी मत आशंक तस्पि पुरुषत्व अविशेषा उपलब्धि मात्र तम विवेद्य अहो, वो भी उपलब्धि स्वरूप मात्र है, उसको मान्यता देकर के बोलते हैं परश्च उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपे न प्रधान प्रकृति हेतु न के कचित विशेषण, वो भी अपने सत्ता मात्र से ईश्वर भी, ईश्वर कुछ करता नहीं, वो भी जब पुरुष है उसको भी असंग मान, तो वो प्रधान को ये नहीं, सत्ता मात्र से प्रधान को प्रवृत्ति कराते हैं, सत्ता मात्र से प्रधान को प्रवृत्ति कराते हैं। आप देखिए जो दर्शन इस चीज को इसका नतीजा कमी रहेगा, क्या बोला मैंने, वो प्रकृति को आपने एक मान, प्रकृति को आपने एक मान, आपने जो दर्शन में क्या बोला ये यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर से संयोग दर्शन की थी, अपने जो चित्तवृत्ति निरुत्साह मुक्त हो जाए, परंतु जब प्रकृति एक है, प्रकृति में जिस कथा का दृष्टांत दिया, और प्रकृति में नित्य विघटन हो रहा है, प्रकृति में नित्य विघटन हो रहा है, दोनों की वर्णन करते हैं, दोनों की वर्णन करते हैं, अरे उनकी मान्यता ऐसी है, कैसे हो सकता है, ये तो हम आप कहते हैं वेदांत पढ़ने के बाद, ये तो हमारी मान्यता है, परंतु उनके सिद्धांत में वो प्रकृति एक है पुरुष अनेक है, हमारे सिद्धांत में पुरुष एक है प्रकृति अनेक है, ये फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। तो उनके सिद्धांतों में ये जो क्या मुख्य चीज हो जाएगा कि प्रकृति मतलब एक छाता जैसा मान लो, छाता में जैसा पुरुष अनेक है ना, जैसे वो डंडा नहीं रहता अलग 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 ऐसा, अब जब तेजी से हमेशा जो हवा चलता है कि प्रकृति का मुझे बिगड़ना पड़ा है, और आपको गुणातीत होना है ना, गुणातीत होना, आप क्या करें पहले चित्तवृत्ति को सबको गुण लाना, चित्तवृत्ति को लाएंगे वो भी, परंतु वहाँ पर तो हमेशा परिवर्तन होना है, पूरा चित्त को आप एक साथ रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए वहाँ पर अनेक मोक्ष की प्रश्न बात करता है, इसीलिए ये वेदांत सिद्धांत जो अभिव्यक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार वेदांत भाष्य टीका पढ़ना चाहिए वाक्य के साथ, देखने ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए, वेदांत वाक्य का तो अभी हमारा सुरेशाचार्य तो और भी छोटा छोटा चीज को बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ईश्वर को पूर्ण मानते हैं और ईश्वर सावयव है, तो एक व्यक्ति मान लो तुम्हारा पैर नखुन, पैर के नखुन है, उस व्यक्ति को मुक्त होना है, ईश्वर पूर्ण व्यापक है, मुक्त होना मतलब शरीर में जाना है, तो कहाँ से जाएगा, शरीर को भेद करके जाएगा, तो शरीर को आराम लगेगा कि पीड़ा होगा, यही तुम लोग ईश्वर की मानना करते हो, कि भारती का चाहते थे इतना सुंदर सुंदर ये देते हैं कि तुम्हारे ईश्वर भेद मानने से अथवा इस प्रकार मुक्ति मानने से आवागमन से मुक्ति मानने से क्या दुर्गति होती है, ईश्वर पूजा सोचा तो नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही चित्रवृत्ति लोग जो आप बोलते हैं चित्र को मान लिए कि प्रधान को मान करके वहाँ पे निरंतर हवा चल रहा है, गुणवृत्ति का भी मतलब आवागमन हो रहा है, चित्रवृत्ति निरोध कैसे होगा, एक व्यक्ति कोशिश भी करता है एक जगह पे दूसरा फिर उसको और वो सत्य माना पूरे चित्रवृत्ति होना मुश्किल, इसलिए वेदांति की समाधि मधुष्कर्षण ने स्पष्ट करके बताया कि योग दर्शन की समाधि उन्होंने वेदांतिक सिद्धांत की समाधि में भिन्नता क्या है कि यहाँ पे जगत की मिथ्यात्व निश्चय हो जाने के कारण इस समाधि से कोई उत्थान नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, इसलिए परस्य उपलब्धि सत्ता मात्र सत्व उपलब्धि मात्र सत्व स्वरूपेण और परमात्मा वो भी उपलब्धि स्वरूप है, वो अपनी सत्ता मात्र से ही प्रधान प्रवृत्ति हेतु, वो भी उसी ने प्रधान प्रवृत्ति के लिए हेतु बन जाता है, न कि नचित विशेषज्ञ उसमें नहीं कोई, क्योंकि आपने माना ही नहीं ईश्वर को माना, परंतु ईश्वर को माना क्या है, ईश्वर की इच्छा से क्या होगा प्रधान पुरुष जो संयोग और वियोग होता रहेगा, ये जो आपने माना ये कल्पना भी ठीक नहीं है, उसको तो पुरुष भेद माना आपने, पुरुष विशेष माना आपने, इसलिए केवल मूर्खतया केवल पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्याग, इसलिए क्या हुआ आपने कि अज्ञान के कारण ही जो है आपने क्या किया पुरुष में भेद की कल्पना की, और वेद ने जिसको प्रतिपादन किया असंग ही अयम पुरुष एक अमेव अद्वितीय पुरुष भेद की भाव को भी आपने छोड़ दिया, तो यदि आप अयोध्या की आप आस्तिक देखिए इतना विजय का चला था आप अपने को आस्तिक दर्शन माना, और शास्त्र ने जो कहा एक हमें वो अद्वितीय नाम को इतना हिस्सा को जोड़ दिया केवल मात्र प्रधान के प्राधान्य में, इसलिए हम देखते हैं कि
टीका में आ जाएगी, ननु न पुरुष मात्र किंतु ईश्वर अधिष्ठित शेषर्वादी मतम आशन कत्या पुरुषत्व विशेषा उपलब्धि मात्र तथा परश्च वेदार्थ वहाँ मेरे बात तो आया है ना, केवल मूलतया एवं पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परिचय, ठीक है ना। वो आप आपके पुस्तक में क्या लिखा है बरो टीका में, टीका में परश्च के बाद वेद प्रतिपाद्य द्वैतम है ना, वहाँ पे मकर लगाइए, मैं उल्टा पल का सिद्ध से कर कर हो जाएगा मामला। वेद प्रतिपाद्य अद्वैतम एक मकर लगाइए, वेद प्रतिपाद्य अद्वैत संशोधन कर दीजिए, लेकिन फिर जो है छोटा मोटा चीज हम छूट जाते हैं, फिर ग्रंथ संशोधन नहीं होगा। वेद प्रतिपाद्यम अद्वैतम आया समझ में, वेद की प्रति यहाँ पे पूर्ण विराम कर देना, यहाँ पे पूर्ण विराम कर देना। हाँ द्वितीय मतलब वहाँ पे देखो आपने किस पक्ष को लेकर के कहना चाहते हो, सांख्यवादी के पक्ष को लेकर के अथवा न्याय वैशेषिक पक्ष को लेकर के, सांख्यवादी के पक्ष के ये संपूर्ण संभव ही नहीं है। तब बोलते नहीं नहीं प्रधान परार्थ होने के कारण पुरुष वेद कल्पना उसी से हो जाता है, तो बोलते हैं तो प्रधान परार्थ होने के कारण पुरुष की सत्ता चाहिए, परंतु पुरुष में भेद नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है, कुछ सिद्ध करिए। अब ये दूसरा बात द्वितीय उत्थापयति जेतु, ठीक है, द्वितीय से किसको लेंगे पूछा था वहाँ पे, तुम किस वादी के पक्ष को लेकर के कहना चाहते हो, शांक योग दर्शन को लेकर के कहना चाहते हो अथवा न्याय वैशेषिक दर्शन को लेकर के कहना चाहते हो। शांख योग दर्शन को लेकर कहना चाहते हो तो तुम्हारे सिद्धांत तुमने जो बनाया उस सिद्धांत का अपसिद्धांत हो जाएगा, इसलिए पुरुष भेद कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा वैदिक सिद्धांत की हानि हो जाएगी। वेदार्थ परिचय मतलब वेदार्थ क्या है कि वेद प्रतिपादित होकर अद्वैत उसका हानि। अब जो बोलनी है द्वितीय मत पूर्ण विराम कर देना, वेदार्थ मतलब वेद प्रतिपादन अद्वैतम, उसके बाद पुस्तक में आपका कोई कंफ्यूशन नहीं है, है ना ना। आप बीच में यहाँ पे द्वितीय में अलग पर पाठ आ रहा है, वेदार्थ वेद प्रतिपादन अद्वैतम वेद प्रतिपा वहाँ पे विराम करते हैं, ठीक है। अब द्वितीय उत्थापयति जे तु आहु वैशिष्टिकादय इच्छादय आत्म समवाय, नए कोशिश सिद्धांत क्या है आत्मा को एक द्रव्य मान अनेक मान, अच्छा, और वहाँ पे नौ गुण रहता है, ज्ञान इच्छा धर्म इच्छा देश सुख दुख धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार, ये नौ गुण है वो आत्मा में मानते हैं। और अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आत्मा में फिर धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार भी रहता है, ये एक देश में रहता है कि अनेक देश में रहता है, आत्मा की एक देश में रहता है कि आत्मा की, आत्मा तो व्यापक माना तुमने विभू माना, आत्मा को विभू माना और मन को अनुपरी माना, नए को शरीर का व्यापक, ठीक है। अब देखिए व्यापक रहने से क्या नुकसान है और एक जगह पर रहने से क्या नुकसान है, उसको लेकर के देखिए आप समझ जाए। तो पहले भाष्य के एक बार देख लेते हैं, जे को आहु वैशिष्टिकादय इच्छा का यह आत्मा समवाय नीति, वो आत्मा के साथ समवाय संबंध से इच्छा दे, क्योंकि द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, पहला फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। समवाय संबंध से रहना मतलब क्या हो जाएगा, जब तक द्रव्य रहेगा आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। आप जो है इच्छा देश जब तक रहेगा तब तक तुम मुक्त हो पाओगे नहीं, आत्मा रूपी द्रव्य में इच्छा द्वेष राग द्वेष आदि सुख दुख आदि आपका समवाय संबंध से रहता है, और समवाय युक्त संबंध है आप इससे भगवान भाष्कर आ रही अभी आने वाला छांद रूप में शब्द, तो जब पहले तो कपड़ा को गंदा कर लिया फिर साबुन से धोने का कोशिश करता है, तब तो कपड़ा में गंदा ऐसा लगाया उनके सिद्धांत के अनुसार वो गंदा छूटने वाले नहीं है, अब फिर साबुन लगाने से क्या हो जाएगा सिद्धांत अपसिद्धांत क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा। उनके वहाँ पे उनके सिद्धांत के अनुसार नौ द्रव्य है, नौ द्रव्य में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल देश मन और आत्मा, काल दिशा मन और आत्मा, और द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं, अब आत्मा में 14 गुण रहता है उसमें 9 विशेष 14 सामान्य गुण और 9 विशेष गुण, 24 गुण मानते हैं
नहीं, वो हमारा न्याय वैशिष्ट दर्शन 24 गुना मानते हैं, उसमें आत्मा में कोई विशेष गुण है या दूसरे में भी नहीं रह सकता है, ज्ञान जड़ वस्तु में नहीं रह सकता, बाकी सारा कौन सा, ये जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 24 गुण मन, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, ये आत्मा ही एकमात्र शुभ दुख का आश्रय हो सकता है, क्योंकि आकाश वायु के हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसीलिए उस आत्मा द्रव्य गुण मन, और जो द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है मतलब अद्भुत सिद्ध संबंध। अब बताओ यदि आपके अंदर इच्छा आदेश धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार सब रह गए, ये संस्कार रह गया तो आप जो है आत्मा इससे मुक्त हो जाए। उनका सिद्धांत अनुसार क्या है, इस द्रव्य और गुण को अलग करके पहचान लेना इस ज्ञान से मुक्ति होगी। हमारे 6 आस्तिक दर्शन में 5 वादी ने ज्ञान से मुक्ति मांगी और गुरु मीमांसा दर्शन में उपासना अथवा कर्म से मुक्ति मांगते, जैसा जहाँ तक पहुँच पाए गुणाकार की उपासना। जिन वादियों ने ज्ञान से मुक्ति माना, 5 वादियों ने ज्ञान से मुक्ति तो सभी ने माना, मान लो कितने वस्तुओं का ज्ञान इसका लेकर के विवाद, इस पर लेकर के विवाद। शांत दर्शन में क्या बोला, प्रकृति पुरुष की विवेक से ज्ञान मुक्त हो गया, ठीक है ना, इसको अलग करके पहचान। योग दर्शन क्या बोलते हैं, प्रकृति पुरुष के विवेक करने के लिए साधन को प्रोचित करने के लिए होता है ईश्वर के पास। वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है, 7 पदार्थ को जो माना था, 7 पदार्थ वैशेषिक को पहले जो 16 पदार्थ मानते थे, 7 द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावी 7 पदार्थ इसके ज्ञान से मतलब द्रव्य से मुक्त है, इसका इस ज्ञान से मुक्त। तो ज्ञान से मुक्ति इतने बात ही मान ले पर कि किस वस्तु की ज्ञान इसको लेकर के विवाद, इसको लेकर के विवाद। हमारी ये आत्मा में खास समवाय संबंध से रहता है, आपका ये कथन सही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता। आप देखो, आप दूसरा भी छत्र का दृष्टान्त ले, हम आपसे पूछेंगे आत्मा का एक देश में रहेगा कि सर्वदेश में, यदि भर बोलेगा एक देश में रहेगा मतलब जैसे छत्र का स्त्री नहीं होता है केवल उसी में रहेगा, तब क्या होगा, सावे और वस्तु होगा तो सावे और वस्तु अनेक को निकाल देंगे। अच्छा सर्वदेश में रहेगा तो कह देगा हमेशा ज्ञान होता है, एक साथ सारा ज्ञान होगा। स्मृति नियम को जिस समय मतलब जिस समय किसी वस्तु की अनुभव होती है उस समय स्मृति नहीं होता, वो तो होता है आत्ममन संयोग से चेतनता उत्पन्न होती है, तो आत्ममन संयोग से चेतनता उत्पन्न होता है तो संस्कार का अंश स्मृति होती है। तब बताओ अनुभव काल भी रहता है कि नहीं आपका, कभी अनुभव काल में स्मृति होती है, अनुभव काल में स्मृति होना संभव है, जिस समय किसी नया वस्तु को आप जानते हैं उस समय कोई स्मृति नहीं होती, अनुभव के बाद स्मृति होती है, परंतु आत्ममन संयोग के द्वारा आपका अनुभव भी होगा स्मृति भी होगा, तो एक साथ दोनों का होता नहीं है, ऐसा हमें इसलिए ऐसे आप होगा संभव नहीं है। ये लोगों के सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को लेकर के और आत्मा को अनित्य बना दो, और अनित्य से प्रसंग आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला ये 9 गुण से आपका अलग नहीं, आपके सिद्धांत का अनुसार अलग नहीं कर पाओगे, इतने सारे दोस्त हमारे सिद्धांत में इसके भीतर तो बाद में अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा, तो अपने सिद्धांत में अपना सिद्धांत को तोड़ दिया। यहाँ पे देखिए भाष्य का क्या बोलते हैं, तदपि असत्य होना संभव नहीं, आप देखिए स्मृति हेतु नाम संस्काराना, आत्मा में समवाय संबंध संस्कार रहते हैं है ना, ज्ञान शुभ दुख धर्म धर्म इच्छा देश प्रयत्न संस्कार 9 गुण होता है, संस्कार आत्मा समवाय संबंध से रहेगा और संस्कार हमारा स्मृति के लिए हेतु होती है, इसी वस्तु को स्मरण क्यों होता है, संस्कार रहने भावनात्मक संस्कार रहते हैं के लिए स्मृति हेतु नाम संस्कार ना, प्रदेशवती आत्मनि असमवय संस्कार और प्रदेशवती आत्मा है, ठीक है ना, क्योंकि आत्मा को आपने व्यापक माना नील अवयव माना तो कोई प्रदेश नहीं है, तो समवाय संबंध से कहाँ रहेगा, समवाय संबंध के ध्यान देना स्मृति हेतु नाम, स्मृति क्यों होती है, संस्कार के कारण, वो संस्कार कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा, आत्मा में कैसे रहेगा, इसलिए बोलते हैं संस्कार अप्रदेश गति, आत्मा में प्रदेश नहीं है मतलब निरवय वस्तु अप्रदेश वाला आत्मा नहीं असमवय आत्मा, तो समवाय संबंध से नहीं सकता। इस प्रकार घट एक सावय वस्तु है, उस घड़ा में आप एक देश में क्या कर सकते हैं, बोला लाल लाल काला पीला कर सकते हैं और कहीं आप भरा कर सकते हैं, क्यों वो प्रवेश वाला वस्तु आत्मा को नापी अगर वस्तु है, यहाँ पर कैसा आ जाएगा संस्कार। इस प्रकार आत्मान संयोग स्मृति उत्पत्ति स्मृति नियम आलोक करते, आपने क्या बोलेंगे कि आत्मा देखो क्या करता है,
क्या होगा, आत्मा में संस्कार पूर्ण व्यापक रूप में रहेगा। जहाँ पे मन का संयोग हो जाएगा वहाँ पे स्मृति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। आत्मा व्यापक तत्व है, संस्कार पूर्ण व्यापक रूप में रहेगा, जहाँ पे मन का संयोग हो जाएगा वहाँ पे स्मृति उत्पन्न हो जाएगा, मन संयोग के बिना उत्पत्ति। अब जब ऐसे ही मन अनुभव कब करोगे, इस समय अनुभव काल में स्मृति होता है, समान जातीय वस्तु में समान जातीय वस्तु का इस प्रकार सावय वस्तु में इसके साथ इसका संयोग होना संभव है, क्योंकि इसका एक दृष्टि इसका संयोग होता है, ठीक है ना। इसके साथ इसका संयोग होना संभव है, जो नौ गुण आत्मा में रहता है उसमें स्पर्श गुण को तो नहीं कहा, स्पर्श करने गुण आत्मा में नहीं रहता, तो स्पर्श गुण से रहित आत्मा स्पर्श गुण वाला मन के साथ संयोग कैसे होगा। समान जातियों में संयोग होता है, विजातियों में संयोग नहीं होता। भिन्न जातीय नाम स्पर्शादिहीनानाम आत्मना मनादि संबंध युक्त न च द्रव्याद रूपादय गुण कर्म सामान्य विषय समवय वा भिन्न सन्ति परेशान। अरे तुम जो ऐसे अलग अलग तुमने माना द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवय अभाव, हमारे सिद्धांत के अनुसार वैदांतिक सिद्धांत के अनुसार ये हमारी मान्यता ही नहीं है। द्रव्य गुण कर्म सब कल्पना है तुम्हारी, भेद कल्पना करके तुम्हारा कल ये भी पारमार्थिक वस्तु है, ये खंडना खंडन खाता है पूरा श्रीहर्ष ने एक एक ग्रंथ को उनका भाषा परिभाषा को लेकर के खंडन करता है। आगे और क्या दोष आएगा, यदि ही अत्यंत भिन्न एव द्रव्य सु इच्छादयश्च आत्मन तथा च सति द्रव्येन तेषां संबंध अनुभवते। अब बोलेंगे नहीं नहीं, यदि उन द्रव्य में उन समवय संबंध से रहता आत्मा एक द्रव्य है, इसका घड़ी नहीं है यार, यहाँ पहले शांखोवादी को थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, शांखो जो दर्शन को दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए, पुस्तक छोड़ करके कंसेप्चुअली कम से कम क्लियर होना चाहिए, फिर आप शांति को मिल जाएंगे, फिर उसके बाद अकाल न्याय को सिर्फ दर्शन को लेगा। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा ही उनके सिद्धांत, उनके सिद्धांत को उनके सिद्धांत में क्या कमी रख दिया तो कहेंगे हाँ कल बताएंगे दूरदर्शन के बाद कर रहा हूँ, दूरदर्शन में क्या कमी है। प्रज्ञा वैशाख मेध सुहित जल निधे वेदनाम नंदरस्तम भूतान्यालोक्यमज्ञं रविरत जननग्राह भोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धधारं कृतमिदमरहि दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यापि पूज्यं परमं गुरुमतं पादपादैर् नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम्।